I've got someone else from our cast, all the way from Mumbai. Especially our tour overseas, because this movie is international release ho rahi hai 31 October ko. Worldwide in Hindi and 16 international languages. So our promotion is India and India ke bahar tak bhi hai. But I especially ye time nikala kyunki ye mera shehar hai, ye mera Ghaziabad hai, ye mera NCR hai. Main chahta hoon yahan ke logon ko pata chale ki yahan ka londa kahan ja ke dhaade ka. Aapko gaana kaise laga? Very nice, very nice. I want to say thank you very much for having us. We are very humbled. Very humbled and very excited. We have a crazy film coming October 31st. And guess what? A student from here is talking. His name is Pranay Dixit. I think they're saying you have to dance. I think I can hear something from there. Yes, yes. Awaaz aa rahi hai. You have to dance something, I think. I think we're gonna dance. Yeah, I think we're gonna dance. Okay. Shor bajna chahiye lage. Ji haan dosto. Ye shor hai film Roar ka. Ji, ye Ghaziabad mein promotion ke liye karyakram kiya ja raha hai. Is karyakram ko IMS college ke andar kiya ja raha hai. Ye film 31st October ko release hone wali hai. तो दोस्तों इस प्रोग्राम का भी एंजॉय कीजिए और 31st को सिनेमा हॉल में जाकर भी एंजॉय कीजिए. बेस्ट ऑफ लक. कोई भी क्वेश्चन पूछना हो इस फिल्म से रिलेटेड, इस कास्ट से रिलेटेड, यू गाइस कैन आस्क एनीथिंग. एनी क्वेश्चंस? सो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट दिस. हाँ जी, बहुत सुंदर वन, सुंदर वन है, बहुत सुंदर वन. और मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे एक एक्टर हैं प्रणय दीक्षित, ही इज बिजी विद प्रमोशन समवेयर एल्स, सो आई जस्ट वांट टू से love you all from his side, from Pranay Dixit, because he was from here and he has an MBA from here, and he was one of the guys who completed MBA and he worked in ICICI, I think, but his passion drove him towards Bollywood and he struggled and struggled and now he's roaring in this movie, and this roar from Pranay Dixit's side for you all IMS people. मैं पूरा श्रेय देना चाहूँगा, वो मैं अपनी फैमिली को देना चाहूँगा और उनके आशीर्वाद से. और वो एक्चुअली मेरे डैडी का सपना था एक्टर बनने का. नहीं जी, मैं बॉम्बे गया था 2200 रुपए अपनी जेब में ले, क्योंकि वहाँ आप जिसके भरोसे जाएंगे वो सबसे पहले आपको लात मारेगा, ये रूल है. जैसे जब इनिशियली मैं इसके ऑडिशन दिया करता था इस मूवी के, मेरे कुछ 4 महीने ऑडिशन चले, तो मुझे पता नहीं था ये किस लेवल की मूवी की बात कर रहे हैं. बट ग्रेजुअली जब मेरा सिलेक्शन हुआ, जब हम शॉर्टलिस्ट हुए, तो जो हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई, सो इट वाज सो प्रॉमिसिंग. द प्री प्रोडक्शन वाज सो प्रॉमिसिंग कि उसको देख के लगा कि ये कुछ बड़ा है, ये कोई छोटी चीज़ की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता. अगर हम कमांडोज प्ले कर रहे हैं तो हमें कमांडोज ट्रेनिंग के लिए डाला गया 2 महीना, और किसने ट्रेन किया? हमने शिफू जी, जो एक्चुअली हमारे एनएसजी के हेड हैं कमांडो के, जो एक्चुअली रियल कमांडोज को ट्रेन करते हैं, उन्होंने हमें ट्रेन किया शिफू जी ने. हमारा एक्शन एलन अमीन जी ने किया, जो बॉलीवुड के बेस्ट एक्शन डायरेक्टर हैं. हमारा जो स्क्रिप्ट के ऊपर काम हुआ एज एन एक्टर, उसको पॉलिश करने के लिए, वो भाटिया सर ने किया, जो विस्लिंग बूट्स हैं. तो उसकी हर एक स्टेप इतना प्रॉमिसिंग, इतना मजबूत था, हमें लगा था ये कुछ बड़ा हो रहा है. फिर माइकल वॉटसन, जिनका मैं बता रहा हूँ, जो हॉलीवुड से हैं, जब वो ऑन बोर्ड आए, फिर हम समझ गए दिस इज नॉट अ जोक, दिस इज नॉट अ यूजुअल मूवी, ये अलग है, ये नॉर्मल बॉलीवुड मूवी नहीं है. उनका विजन एक इतना क्लियर था,
और इतना रिसर्च सब लोग ने किया, बहुत रिसर्च ने किया, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन. That's mind-blowing. How much energy and work and education and technology is put into this? It's crazy. मैं कह रहा हूँ कि आप 5 साल के बच्चे को लेके जाएंगे, जिसको movie making का कोई sense नहीं है, 5 साल का बच्चा, वो बैठ के देखेगा और खुश होगा. क्यों? क्योंकि ये एक कहानी ऐसी है जैसे हम बेड टाइम पे बच्चों को कहानियां सुनाते हैं कि एक जंगल था, इतना खूबसूरत जंगल, उसमें एक बाघ हुआ करता था, उसका बच्चे को आदमी ने पकड़ लिया, फिर आदमी उसको मारने गया, फिर उसने उनको ऐसे किया, फिर वैसे किया. तो ये एक बच्चे के लिए कहानी है क्योंकि हमने रियल लोकेशन में शूट किया, एक्सप्लोर किया है और वहाँ पे जाके शूट किया जहाँ पे अभी तक कोई टच नहीं कर पाया जिस जगह पे जाके. आई थिंक सबसे पहली बात है कि Bollywood is the first film industry to shoot a commercial film in Sundarban. Hollywood nahi kiya. Hollywood ne bhi nahi kiya. And we always compete ourselves with the West. So I think we should be very proud that we've accomplished something like this. That's why ek reason hai ki jab hum Cannes Film Festival mein gaye, iska trailer leke, jo sabse bada film festival hota hai duniya ka, France mein. उसके ट्रेलर को देख के इतना अप्रिशिएशन मिला, वहां से हमारे प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर को एक कॉन्फिडेंस मिला कि यार ये अंग्रेज लोग इसको इतना पसंद कर रहे हैं तो क्यों ना इसको हम इंटरनेशनल रिलीज करें. नहीं, जो ट्रेजडीज थी वो ये थी कि आपने जो ट्रेलर देखा है जो छोटे छोटे खूंटे से हैं, क्योंकि वो पानी जो वॉश आउट करता है वो छोटे जड़े हैं, हमें वहां पे भागना था. ट्रेजडीज क्या है कि अब गिरेंगे पिटेंगे, अब ये तो कमांडोज की रोज की दिनचर्या है, तो उनको हम ट्रेजडीज भी नहीं कहेंगे, मगर ऊपर वाले का कर्म था और मेरे ख्याल से सभी की दुआएं थी कि ऐसी कोई ट्रेजडी नहीं हुई. वहाँ पे ऐसा बहुत कॉमन था कि हम कैमरा लगा के शूट कर रहे हैं और नीचे देखा ये क्या है, क्योंकि जो सांप है ना वहाँ पे कैमोफ्लेज मिट्टी में मिल जाता है, वो पता नहीं चलेगा. तो हम 2-3 दिन के बाद इतने आदि हो चुके थे कि कैमरा लगा शूट कर रहे हैं एक्शन और वहाँ पे नीचे देखा अच्छा सांप है, कोई नहीं, कंटिन्यू करते रहो, डंडी उठाया सांप को साइड में फेंक दिया. तो हम इतने यूज्ड, हम एक्चुअली एक जंगल लाइफ जी के आए हैं वहाँ पे. और मैं एक्चुअली आपको इनसे इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा जो हमारे कैरेक्टर जो हमारे बीच में नहीं आ पाए हैं. सो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. वी हैव आदिल चौल, दैट्स मी, आर एन चौधरी, दैट्स मेरा, यू हैव 3 ऑफ अस. ये हमारी जो कैप्टन प्ले कर रहे हैं इस टीम के, रॉर के, ये अभिनव शुक्ला हैं. इसको, इनको आपने पहले टीवी सीरीज में देखा होगा, काफी कमर्शियल्स में देखा होगा, काफी फेमस बंदे हैं. तो ये इस टीम के कैप्टन हैं जो उस संदर्भ में उनको बुलाते हैं. हिमांशा वेंकट स्वामी, ये साउथ अफ्रीकन ओरिजिन की एक्ट्रेस हैं, किंगफिशर कैलेंडर मॉडल हैं और इनकी पहली डेब्यू मूवी है. वरिंदर सिंह गुम्मन एक बहुत बड़ी चीज है लिखने के लिए, ये दुनिया के सबसे बड़े वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर हैं और ये इंडिया के हैं. आप लोगों ने आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर देखे होंगे, ये हमारा आंसर है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का, ये इंडियन आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर है. देन अली, ये अभी कल इन्होंने बिग बॉस में एंट्री करी है, ये आपको देखने को मिलेंगे बिग बॉस में. ये सुब्रत दत्ता है, उनको आपने काफी मूवीज देखा होगा, आमिर खान के साथ रिसेंटली आई थी तलाश. तो ये काफी सीनियर एक्टर हैं जो जुड़े रहे हैं इससे. एंड दिस इज प्रणय जो इस एकेडमी को बिलोंग करता है, IMS को, जिनके बारे में बात कर रहे थे. तो ये हमारी पूरी कास्ट है, ये 9 लोग हम इस मूवी को लेके आए हैं, बहुत मेहनत से बनाई. फिल्म में कोई सॉन्ग्स नहीं क्योंकि वो बहुत फास्ट पेस्ड फिल्म है, लेकिन 3 प्रोमोशनल सॉन्ग्स है, एक रूबरू जो मैंने किया, एक खतरा और जरा जीना दे जो हिमाशा ने किया. जरा जीना दे इज़ अ मैसेज सॉन्ग about saving the tigers. Khatra is more of an appealing song, and Rubaru is more of a, it's actually a story about how man are planting trap for tigers and how slowly the tigers trap the human. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये 5 साल का है वो तो चला जाएगा सर. ये मैंने एक एग्जांपल दिया, बड़े तो समझ जाते हैं, छोटा बच्चा जिसको समझ नहीं है ना मूवी मेकिंग क्या है, वो भी बैठ के मजे कर रहे हैं. जैसे कॉमिक्स होती है, कैसे वो एक्साइटेड रहता है, देखता रहता है, उसको पढ़ना भी नहीं आता लेकिन देखता है. चिड़िया दिख गई, बाघ दिख गया, हाथी दिख गया, तो वो भी मजा करेगा इसके अंदर. मैं वो बताना चाह रहा था, मैंने स्टडीज बहुत पसंद थी और मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट थी, सो इसलिए आई थॉट ठीक है, सो आई विल बी अ लॉयर और समथिंग. बट हाँ, बचपन से आई रियली वांटेड टू बी एन एक्टर. रोर से जुड़ने का मौका किस तरह से मिला आपको? मैंने ऑडिशन किया इसलिए मैंने ऑडिशन किया इस रोल के लिए. मेरा फीमेल कमांडो है और मेरा कैरेक्टर का नाम CJ क्रेजी जेनी है. वो बहुत मजबूत लड़की है और एड्रेनलिन रश के लिए कुछ भी कर सकते हैं,
So I think it fitted me like a glove. मैं ऐसे ही हूँ. So I think इसलिए I got this film. आज लास्ट का जानना चाहेंगे किस तरह के किरदार प्ले कर रहे हैं आप इसमें? जी इसमें जो मेरा किरदार है वो उसका जो कॉल साइन है वो कश्मीरी का है. I am one of the commandos. और मैं स्नाइपर हूँ इस फिल्म में. और स्नाइपर इज काम एंड रिलैक्स्ड. तो ये पूरी जर्नी है उसके लिए जो होमवर्क मुझे करना पड़ा. आई वॉज लुकिंग फॉर बॉलीवुड फिल्म मगर यहाँ पे ऐसा कोई फिल्म आज तक बनी नहीं जिसमें ये किरदार हो एक स्नाइपर का. तो आई वॉच्ड हॉलीवुड फिल्म जार हेड और स्नाइपर शूटर. आई वॉच ऑल दीज मूवीज और वहाँ से फिर मैंने एज अ एक्टर अपना होमवर्क किया कि ये किरदार कैसा है और वो करने पर फिर और फिर ये पूरी जर्नी जो हमारी स्टार्ट हुई वो कमांडो ट्रेनिंग के साथ स्टार्ट हुई. और उसके बाद हम सुंदरबन जंगल में गए और इन वो कैसे राइफल के साथ और उसको लोड करना अनलोड करना और उसके साथ रोल करना इसकी बकायदा ट्रेनिंग हुई. और वो ट्रेनिंग करके ये सारे कमांडो सुंदरबन में गए और कमांडोज की तरह वो फिल्म शूट करके आए जो 31 अक्टूबर को रिलीज हो रही है. और यही कहना चाहूँगा कि जाइए और इन्जॉय कीजिए. इट्स एक्शन थ्रिलर. आप इसमें टाइगर्स देखेंगे, कब्स देखेंगे, क्रोकोडाइल्स और स्नेक्स देखेंगे. जस्ट गो एंड एंजॉय दिस मूवी ऑन 31 अक्टूबर. बीसीआर न्यूज़ के लिए आफाक खान समीर गाजियाबाद.